नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अमर पासवान होंगे, जिन्होंने आज बिहार विधानसभा की सदस्यता शपथ लिया है और इस वक्त अपनी पत्नी के साथ आए हैं। लेकिन जो ड्रेस मुझे दिख रहा है थोड़ा अलग, ये कौन सा ड्रेस आपने पहन रखा है? जी, 2020 में जब मेरे बाबूजी स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी ने शपथ ली थी, तो उस समय यह ड्रेस उन्होंने पूर्ण रूपेण यही ड्रेस उन्होंने पहनी थी। और मैं पूर्व से भी कहता आया हूँ और उनके साथ जितना जुड़ाव रहा है मेरा, तो उनके आदर्शों पे चलने का, और आज तो सिर्फ मैंने कपड़ा ग्रहण किया है लेकिन सामाजिक जीवन में जो उन्होंने सामाजिक न्याय के प्रति लोगों के बीच में रहे हैं, तो मैं उसी जीवन को जीना चाहूँगा और जितना भी उनसे सीखा है मैं समाज में उनसे शेयर करना चाहूँगा। चलिए, पापा की कपड़ा जो है इन्होंने पहना है और इनके साथ इनकी पत्नी है। आपकी लव स्टोरी खूब चर्चा में रही, किस तरीके से प्यार हुआ, इजहार हुआ और इस मुकाम तक पहुँचे कि शादी हुई? ये सब तो अभी कोई नहीं, अभी सामाजिक जीवन जीना है और ये सब तो एक फैमिली पार्ट है, तो इसको फैमिली पार्ट में रहने दीजिए और हमें जनता के प्रति समर्पित रहने दीजिए। तो अच्छी, जिस तरीके से आपका सपोर्ट रहा चुनाव में पूरे, क्या कहेंगे, कितना, मतलब कि अब क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है इनके कंधों पर। ये तो पहले भी, जैसे ही इनको इलेक्शन लड़ने से पहले ही ये जिम्मेदारी ले चुके थे। ऐसा नहीं है कि ये शपथ ग्रहण तो एक मैं कहूँगी कि फॉर्मेलिटी ज़रूर है, और ये पहले जैसे ही ये रिज़ल्ट आया है उसके बाद से ये क्षेत्र में ही है। मैं तो ये बताना चाहूँगी, जनता देखती भी होगी फेसबुक के माध्यम से कि 4-4 बजे तक रात के ये क्षेत्र में ही रहते हैं। तो आपको काफ़ी दिक्कत होती है? नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तो बच्चा भी छोटा है मेरा और ये भी नहीं सोता है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। जब विधायक बन गए, जब जीत गए, तो क्या घर पर रहते हैं या कि जनता के बीच में ही रहते हैं? जनता के बीच में, पूर्ण रूप से जनता के बीच में, जनता को समर्पित है। जैसे कि इन्होंने पहले भी कहा है कि पहले तो इनका, इनके लिए जनता ही है, तो इनके वही चल रहा है। कोई शिकायत नहीं है? कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। जनता ने भी बहुत भारी मतों से इन पर विश्वास किया है और समर्थन दिया है, तो अब इनका भी फर्ज बनता है। अच्छा, आपने कहा कि जनता के प्रति आपके एक बड़ा दायित्व है, आपको निभाना है, क्योंकि अब बम्पर जीते हैं आप, जीत नहीं है ये, एक तरह से कह सकते हैं कि बम्पर जीत है, तो किस तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिएगा? जी ज़रूर, सामाजिक स्तर पे जाके जो भी पंचायत लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, जो भी पूर्ण रूपेण जो सबसे पहले काम होना है, ठीक है, सामाजिक स्तर पे जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसके ऊपर पूर्ण रूप से जोर दे के उस कार्य को किया जाएगा, और जहाँ से भी वो कार्य पूर्ण होना है, सदन से होना है, सामाजिक स्तर से होना है या ब्लॉक लेवल से होना है, तो मैं उसके लिए तत्परता के साथ आगे रहूँगा। तत्परता के साथ आगे रहेंगे। देखा गया है कि बोचहा की कई समस्याएं हैं, खासकर मल्ला समाज की भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे हल करेंगे? जी, बहुत ही ज़रूरी है सभी समाज के बीच में जाना और वहाँ पर उनसे बातें करना और उनके साथ रहना, और हमेशा जनता के बीच में रहिएगा तो समस्याओं का पता चलेगा और समाधान भी वहीं से आएगा। तो ज़रूर उन लोगों के बीच में मैं पूर्व से भी रहा हूं, बाबूजी के समय से भी उनके साथ काम करते रहा हूं, सभी समाज के साथ मिलजुल के मेरा हमेशा हर्षों का माहौल रहा है, और तो इसी का नतीजा है जो बोचहा उपचुनाव में आपने देखा है कि इतनी भारी मतों से जीत दर्ज करवाई है जनता मालिक द्वारा, मेरे समर्थक द्वारा और परिवार के द्वारा पूर्ण रूप से समर्थन रहा है, तो मैं तमाम जनता मालिक को धन्यवाद देना चाहूँगा और निश्चित तौर पे लालू जी के आदर्शों को, लालू जी के आदर्शों पे चलना है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का हाथ मजबूत करते हुए नौजवान साथी को आगे रूपेण इस बिहार की दिशा पूर्ण रूप से गौरवशील करनी है जैसे ये बिहार पहले हुआ करता था। चलिए, थे अमर पासवान हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।